वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर से आ गई हूँ गार्डन में और यहाँ कुछ गुलाब लगा दिया है। इस बार का संक्रांति बहुत अच्छे से, खूब धूमधाम से तो नहीं मनाया हम लोगों ने, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। इनकी भी ड्यूटी लगी थी तो चले गए थे और बच्चे भी बुआ के यहाँ चले गए, तो इस वजह से। तो चलिए आपको खिचड़ी की रेसिपी पहले दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ, और उसके बाद यही ऊपर आ करके धूप में थोड़ा सा गार्डन में कुछ ना कुछ कर लिया करती हूँ। तो आज भी बस यही सब किया है, थोड़े पौधे लगा दिए हैं और थोड़े जो है खाद वगैरह डाला है पौधों में आज। और इसके बाद ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहते हैं गार्डन में। तो बस आज का ब्लॉग छोटा सा ही है, और रेसिपी देख लीजिए और बताइएगा कि आपको हमारी खिचड़ी कैसी लगी। हम वैसे कुछ हमेशा चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो और ये गुलाब एक दो लगाए हैं, ये सारा अभी देसी गुलाब है, और भी सारा गुलाब ले आना है और बहुत सारे पौधे ले आने हैं। धीरे धीरे करके लगाएंगे क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और हरा लहसुन दो लिया है, चार पांच हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको ग्राइंड कर लूँगी। तो मकर संक्रांति की खिचड़ी थोड़ी स्पेशल होती है। स्पेशल क्या है, लेकिन फिर भी सबके घरों में बनती है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। मैंने कैसे बनाया था वो भी देख लीजिए। तो इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, पतला सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये मैं खिचड़ी में डालती हूँ, इससे क्या है खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस इसी तरह से बना लेते हैं। चलिए, मैंने कुकर यहाँ पे रख दिया है गैस पे, और अब इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी और इसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने लगेगा तो इसके बाद डालूँगी इसमें प्याज। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए हैं और उसको भी डाल दूँगी। इसके साथ ही एक दो हरी मिर्च काट के भी डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगेगा। तो जब तक प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसके बाद बाकी मसाले ऐड करूँगी। तो दिन भर तो हमने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही चूड़ा दही और यही सब खाया जाता है, खाना नहीं बनता है। हाँ, शाम को ही पराठा, कोई भी स्टफ पराठा बना के रख दिया जाता है उसका मसाला, और सुबह इनको जाना होता है ड्यूटी, तो इसलिए बनाना होता है थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि ऐसे ही चले जाते हैं। ये दही चूड़ा उतना मन से नहीं खाते हैं, बस त्यौहार के नाते खा लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया था, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था जो पेस्ट बनाया था लहसुन हरी धनिया का। तो इसको भी अच्छे से खूब फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद दो मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है टमाटर से। इसको भी अच्छे से गला लूँगी इसमें, और इसके लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने से क्या होगा कि ये टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। तो इन सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। यहाँ पे मैंने हल्दी डाला है लगभग एक चम्मच, और थोड़ा सा रेगुलर मसाले डालूँगी। हमारे यहाँ मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं, इसलिए बहुत थोड़े ही मसाले डालती हूँ। इस तरह लहसुन मिर्ची का पेस्ट अच्छा होता है। आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया, आधा से कम ही चम्मच डाला है, नहीं तो थोड़ा तीखा हो जाएगा। और थोड़ा सा हींग डाला है, और इस तरह से इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं सब्जियां ऐड करूंगी। सब्जियां तो मन चाहे बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे जैसे गाजर वगैरह नहीं खाते हैं लोग, तो यहाँ पे मैंने मटर डाला है ढेर सारा, और छोटा छोटा काटा हुआ है गोभी, यहाँ पे फूल गोभी लिया है, और आलू काट लिया है, एक आलू छोटा छोटा पीस करके काटा है। और इन सबको अच्छे से फिर से फ्राई कर लूँगी। फ्राई कर इस तरह से चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, ताकि ये हल्का सा फ्राई हो जाए अच्छे से, मसालों के साथ मिक्स हो जाता है ना, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, तो यहाँ पे देखिए चावल और इसमें दो चार जो है उड़द की दाल डाला है, ये शुभ होता है खिचड़ी के लिए मकर संक्रांति में, तो इसलिए डाल दिया है। और इसके बाद इसको धुल लिया है चावल को अच्छे से, और डाल करके सबको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी, और अच्छा सा पानी डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ सब लोग पतला खिचड़ी खाते हैं, बहुत सूखा नहीं खाते हैं बिरयानी जैसा। तो इसके बाद इतनी देर के लिए ढक दूंगी चावल को भी, ताकि चावल भी अच्छे से थोड़े फ्राई हो जाए। इसके बाद इसमें पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, और पूरे कुकर को भर दूंगी। मैं इस तरह से कुकर में ही बना लेती हूँ, और बिना ढक्कन लगाए बनाती हूँ, जिससे कि आराम से ये धीरे धीरे पकता है, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। और हाँ, हम लोग नए चावल से ही खिचड़ी बनाते हैं, सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता है। तो खिचड़ी हुआ, खीर हुआ, ये नए चावल से बहुत अच्छा होता है, और इसका टेस्ट मीठा आता है। तो इस तरह से पतली वाली खिचड़ी ही पसंद करते हैं लोग, और मैं वही बना रही हूँ। एक साइड मैं इधर बैंगन और वो क्या बोलते हैं टमाटर भून रही हूँ चोखा बनाने के लिए।
क्योंकि आज की खिचड़ी के साथ तीन चार चीज़ें खाई जाती हैं, चोखा, चटनी, दही, अचार, ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी के साथ ये सब चीज़ें खानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और अब देखिए खिचड़ी बनके मेरी तैयार हो गई है। इसका कलर अच्छा आया है, अब टेस्ट देखते हैं कैसा बनता है। और खूब ढेर सारी धनिया डाल दिया है, धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है और फिर इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद सब लोगों को भूख लगी हुई है तो सबको अब सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। आप लोग बताइएगा कि देखने में कैसी लग रही है और टेस्ट भी अच्छा ही था। इसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया है और देखिए दही, सलाद और चोखा, चटनी मैंने बनाया है इसके साथ और इसके बाद सब लोग खाएंगे। तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो इस तरह से हमारी खिचड़ी बन गई थी। और फिर उसके बाद दोपहर को आज मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि कुछ गुलाब के पौधे एक ही पॉट में मैंने लगाए हुए थे तो वही इनको यहाँ पे निकाल रही हूँ। दो तीन जैसे गुलाब थे जो कटिंग से मैंने बरसात में लगाए थे, तो ये देखिए इनको निकाल करके अब क्यारियों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आज दो गुलाब लगाए हैं, ये दोनों ही देसी गुलाब हैं, तो इनको लगा दूँगी। और इसके बाद अभी और भी वेराइटी मुझे गुलाब की ले आनी है लगाने के लिए। तो अभी इस महीने तो नहीं, इसके बाद वाले महीने में लगाऊंगी, फरवरी मार्च में। मुझे बहुत गुलाब का शौक़ है कि हर तरह का गुलाब मेरी क्यारियों में आ जाए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर। तो मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।